What's up guys, I hope you are doing well. My name is Om and welcome to Academy. This video lecture mein hum discuss karenge pitch black exercise ke bare mein. Ye hai kya? India first time isme participate kyun kar raha hai aur ye India ke liye itni important exercise kyun hai? Aage badhne se pehle main chahta hu ki ye ek MCQ hai jo aap sab comment section mein attempt kare. To aage badhte hain. Dekho ye background kya hai is invite ki? Sabse pehle to मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया यूएसए और जापान के बीच में होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी बहुत साल पहले पार्टिसिपेट किया करता था लेकिन सिंस ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के प्रेशर में आके ये एक्सरसाइज से विड्रॉ कर लिया इसकी वजह से 2018 की जो एक्सरसाइज थी उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया ओके ये एक रीज़न हो गया फिर चाइनाज एग्रेशन जो चाइना का अग्रेशन बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में उसकी वजह से सारी कंट्रीज़ को एक मेजर थ्रेट है और एक 14th एनुअल लोवी इंस्टीट्यूट ने पॉल किया था ऑस्ट्रेलिया में उसने ये देखा कि 72% जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा ही चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कंट्री में अलाउ कर रही है और 70% ऑस्ट्रेलियंस का लगभग ये मानना था कि चाइनाज रिसेंट फॉरगिविंग फॉरेन पॉलिसी अग्रेशन स्टैंड सजेस्ट इट विल बिकम अ मिलिट्री अग्रेसिव पावर वेरी सून और रीजन में कॉपरेशन और बैलेंस को बढ़ाना तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि अगर चाइना को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सारी कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा देखो ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज है क्या पिच ब्लैक एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट करवाई गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1981 और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था ऑल दो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हुआ था ये लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी कंट्रीज़ ने धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और 2018 में आप देख सकते हो 12 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन 12 कंट्रीज़ में होंगी ऑस्ट्रेलिया कैनेडा इंडिया जर्मनी इंडोनेशिया फ्रांस नीदरलैंड न्यूजीलैंड सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया और यूएस तो ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है सिंस यूएस इंडिया ये सब जैसे मेजर पावर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब आते हैं मुद्दे की बात पे इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज ज्वाइन किया है और ये बाइनियल एक्सरसाइज है जो कि RAAF राफ इसके थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है राफ का फुल फॉर्म है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और ये यूजुअली नॉर्दर्न अमेरिका के जो राफ के डार्विन और टिंडल बेसिस हैं उन पर कंडक्ट करवाई जाती है एक्सरसाइज और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक्सरसाइज के बाद इंडियन फोर्सेज ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही होंगी तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज इंडिया को एयर में ही रिफ्यूल करेंगी इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयर फोर्सेज जब वापस आ रही होंगी तब वो इंडोनेशियन और मलेशियन फोर्सेज के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट भी करेंगे नियर स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ये स्ट्रेटेजिकली इतना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो ये चाइना का एक इकलौता ट्रेड रूट है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू इसको मिडल ईस्ट से कनेक्ट करता है टोटल इंडिया की तरफ से 145 एयर वॉरियर्स पार्टिसिपेट करेंगी जिनमें गरुड़ कमांडो टीम होंगी फोर सुखोई मिक होंगी और C-30, C-17 ये सब एक्सेस फाइटर प्लेन्स होंगी जो टोटल 145 इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगी और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस एक्सरसाइज की ये है कि इट विल इंक्लूड डे एंड नाइट फ्लाइंग ओके यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि डे की एक्सरसाइज काफ़ी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट वन बट इसमें नाइट एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करवाई जाएंगी सो कमिंग बैक टू आर MCQ इसमें चाइना एंड जापान आर नॉट पार्ट ऑफ 2018 एक्सरसाइज यस इट इज़ करेक्ट पिच ब्लैक एक्सरसाइज इन एयरफोर्स एक्सरसाइज यस इट इज़ करेक्ट बाइनियल एक्सरसाइज हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है हेंस 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट आंसर तो ये था हमारी वीडियो का एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू